ये कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ। आनिया, जीशा, ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? पहले तो कभी नहीं देखा। ये दीदी हमारी नई दोस्त है। दोस्त? कौन हो तुम और कहाँ रहती हो? तो मेरा नाम मीतांशी है और मैं पीछे वाली झोपड़पट्टी में नई रहने आई हूँ। क्या, तू झोपड़पट्टी से आई है? दूर जा। तो लेकिन क्या हुआ? तुम मुझसे पूछ रही है कि क्या हुआ? वो झोपड़पट्टी में सब नीचे जाति के लोग रहते हैं। आंटी, ये जात क्या होता है? ज्यादा भोली मत बन, समझी तू? तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मेरी बेटी के साथ खेलेगी? अरे क्यों डांट रहे हो? खेलने दो ना। आनिया, तुझे कुछ समझ नहीं आता ना तो तू चुप बैठ और तू चल जा यहाँ से। जा। कहाँ रह गए आनिया जीशा? कहाँ चले गए? कहीं नहीं दिख रहे। नहीं नहीं, अभी तक नहीं। अरे भाभी भैया, आपने आनिया और जीशा को कहीं देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा, सॉरी, मैं बिजी हूँ। दो घंटे हो गए इन दोनों को बिना बताए कहाँ चले गए, कहाँ ढूंढूँ मैं? आनिया, जीशा, तुम दोनों यहाँ खेल रहे हो? कब से तुम दोनों को ढूंढ रही हो ना? कहाँ चले गए थे? वो हम मम्मा दीदी के साथ खेलने आए हैं। और तुम दोनों की चप्पल कहाँ गए? ये लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बच्चों को यहाँ लेकर आई अपने घर पे? वो आंटी मैंने लेके आई, वो अपने आप खुद ही आए हैं। ये लड़की मुझसे झूठ बोलेगी ना, एक थप्पड़ लगाऊंगी। तेरी औकात नहीं है कि मुझसे जबान लड़ाए, समझी? नमस्ते दीदी, मैं रोशनी, गीतांशी की मम्मी। अच्छा, तो तुम हो इसकी मम्मी। अपनी लड़की को जरा संभाल के रखो ना अपने झोपड़ी में। दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये तो छोटे बच्चे हैं, साथ में ही खेलेंगे ना। तुम लोग नीचे जात के गरीब लोग हो और तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते, समझी? चल आना जी शाम, अब घर जाके नहाना पड़ेगा और बच्चों को भी नहलाना पड़ेगा। मम्मी, वो आंटी मुझे आनिया के साथ खेलने क्यों नहीं देती और मुझे इतना डांटती क्यों है? जाने दो ना बेटा, वो हमारे बराबरी के लोग नहीं है इसलिए। पापा, पापा, मुझे खेलने जाना है। तू जाओ ना बेटा, किसने मना किया? मम्मा ने मना किया बाहर जाने को। रुको, मैं भी बुलाता हूँ। रश्मि, रश्मि, कहाँ रहे तुम? हाँ बोलिए। तुम आनिया को बाहर खेलने क्यों नहीं जाने दे रही हो? आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन आपकी लड़की आजकल झोपड़पट्टियों में खेलने जाने लगी है, इसको कुछ समझ ही नहीं आता। अरे तो उसमें क्या हुआ, छोटी बच्ची है, कहीं पे भी खेलने जा सकती है। अरे तुषार, आपका दिमाग तो ठीक है ना? वहाँ सब नीचे जात के लोग रहते हैं और कितनी गंदी जगह है वो, एक दिन में कोई रह गया ना तो बीमार पड़ जाएगा। ये कैसी बकवास बातें कर रही हो तुम? वो लोग वहाँ अपने शौक से नहीं रहते, उनकी मजबूरी है इसलिए वो लोग वहाँ है। और तुम कब से ऐसी सोच रखने लगी? वो जो भी हो, बट आई डोंट केयर, मेरी आनिया वहां नहीं जाएगी, समझे? देखो, तुम ये सही नहीं कह रही हो, इसको खेलने जाने दो। मैंने एक बार कहा ना तुषार, आनिया वहां नहीं जाएगी मींस नहीं जाएगी। और आनिया, तूने ज्यादा जिद किया ना तो लगाऊंगी एक चाना तुझे, समझी? पापा, पापा, मम्मी ने तो मना कर दिया, मैं खेलने कैसे जाऊंगी? तुम टेंशन मत लो बेटा, तुम्हें मैं खेलने ले जाऊंगा, ठीक है? चलो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू आज मेरे घर तक पहुंच गई? आज नवरात्रि का पहला दिन है ना, तो मैं आने के लिए प्रसाद लेके आई। किसको पूछ के तू ये प्रसाद लेके आई? तुझे पता है ना हम तुम जैसे लोगों के घर का पानी तक नहीं पीते। वो माँ ने बोला था आने को प्रसाद देने। कहाँ है तुम्हारी माँ? बुलाओ उसको। माँ, वो माँ।
प्रसाद तुमने भिजवाया है? जी दीदी, मैंने हितांशु को बोला था कि आन्या को जाके प्रसाद दे दे। तुम होते कौन हो आन्या को बिना पूछे प्रसाद भिजवाने वाली? और वैसे भी तुम जैसे लोगों के घर का हमको प्रसाद नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रसाद है और प्रसाद तो सबके लिए होता है ना। देखो तुम दोनों मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीदी आप हमें गलत समझ रही हो, पर कोई बात नहीं, चलो हितांशु यहाँ से। हाँ जाओ और अपनी लड़की को समझा देना कि आज के बाद मेरी बेटी के साथ खेलने का सोचे भी नहीं। एक मिनट में इसको चीख से कहता हूँ, ध्यान रखना। सॉरी तुषार, मेरा कॉल आ गया था। और आन्या बेटा आप ठीक हो ना? ठीक। और आप इसको यहाँ क्यों लेकर आ गए? तुम छुपी रहो। बेटी तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। रश्मि तुम इसे नफरत छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुषार क्या हुआ आपको? आप इसके लिए मुझसे झगड़ा कर रहे हैं? तुम्हें पता नहीं इसने क्या किया हमारी लड़की के लिए? जब तुम फोन पे बात करने में बिजी थी तब आन्या को एक गाड़ी आके ठोकने ही वाली थी, उतने में इसने आके उसको बचा लिया। क्या? हाँ, इसी लड़की ने अपनी जान की परवाह किए बिना आन्या की जान को बचाया। अरे अब तो बात को समझ जाओ, अगर इन बच्चों को जात पात के बारे में नहीं पता है तो तुम क्यों इन दोनों के बीच में नफरत फैला रही हो? बहुत अच्छी है। सुनो तुषार, तुम सही कह रहे हो, मैं जात पात के भेदभाव में अंधी हो गई थी। आज भी हमारे देश में से बहुत से लोग हैं जो जात पात छूत अछूत में मानते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है क्योंकि भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया है और सबका खून भी तो एक जैसा है। तुषार, आज तक इस लड़की की जात पात और गरीबी के कारण मैंने उसके साथ बहुत ही गलत किया, लेकिन आज इस बच्ची ने मेरी सोच को बदल दिया है। देखो मुझे नहीं परवाह है कि तुम्हें क्या लगे, लेकिन हितांशु बेटा आज के बाद तुम जब चाहो तब आन्या के साथ खेलने आ सकती हो, देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है। तुषार मैं अपनी गलती समझ चुकी हूँ और हितांशु बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद आप कभी भी यहाँ आओगे तो मैं मना नहीं करूँगी। थैंक यू आंटी, अब आन्या भी मेरे घर में आ सकती है ना? हाँ बेटा जरूर आ सकती है, पर आप अगली बार प्रसाद भी लेकर आना। हाँ आंटी।